अब मेरे मीम्स ना बन जाएंगे सस्ती बार भी चुप करके मेकअप करवा रहे जज को कहूंगी के खानदान वाले मेरे खानदान वाले इतने फजूल हाय बार्बी हाय बार्बी हाय बार्बी टोमेटो पोटैटो बट आई स्टिल लव देम लोग कहेंगे तक मैं मुझे गिरती रहे एक छोटा सा सरप्राइज है लड़ना नहीं बराबर बराबर Hey guys, Assalamualaikum and welcome back. आज मैं करने लगी हूँ बार्बी लुक आज मैं बार्बी बनने लगी हूँ आर यू कॉमेडी मी नहीं शम जो बार्बी बना रही है आज क्योंकि मुझे मेकअप करना सही से नहीं आता और वो प्रो है मैं ना एक तमीज आपको सिखाना चाहती हूँ आपको तमीज कमीज तो पहनी हुई है बस यही कमीज है तुम्हारे पास तमीज की बातें तो मैं कभी नहीं सीखी इधर देखो इसको ना यहाँ से कभी भी बंद नहीं करते यहाँ से चलाते यहाँ से बंद करते ये हमारा मेकअप स्टार्ट हो चुका है ईशा अपने तरीके से बेस लगा रही है कुछ पूछा पूछा मैंने कुछ ये कभी मेरा मेकअप नहीं करती मैं जिंदगी में कोई तीसरी चौथी दफा देना मेकअप करी ईशा अब मेरे मीम्स ना बन जाएंगे सस्ती बार भी ये तो होगा मेकअप करे बगैर भी बार्बी ही लगती है ओह माय गॉड यार ये कितनी ऑसम है यार ईशा मेरा नाक बंद हो रहा है तो मेरे पकड़ना भी तो है ना कुछ तो यहाँ से पकड़ यार यहाँ से पकड़ी पकड़ू मुझे ग्रिप चाहिए इसको ग्रिप चाहिए नाक से ना बोलूँ मेरा हाथ ही उधर जाता है अब मैं करती ऐसे हूँ मेकअप तूने कराना ही है ना इसीलिए मैंने तेरा सिर्फ 8 साल में 3 दफा मेकअप किया क्योंकि तू नहीं तू क्योंकि तू यही हरकतें करती है चुप करके मेकअप करवा रही यार देखो यार देख कोई नाक से पकड़ते मेरे सांस बंद हो जाएगा तुझे पता मुंह से लेने ना इतनी देर पार भी नहीं बनना ब्यूटी स्प्रे वो ब्यूटी स्प्रे अच्छा ऊपर से पकड़ लो यहां से पकड़ लो कौन है ये लोग कहां से आते हैं मुझे ग्रिप चाहिए मुझे ना किसी चीज की एक्साइटमेंट ही नहीं होती यार ऐसे नहीं बोल तेरे रिश्तेदार खुश हो जाएंगे मत बोल मत राखी सावंत के क्या कहती है जिंदगी में कोई खुशी नहीं रही उसकी उसका एक बॉय है बॉय नहीं उसका हस्बैंड था उससे वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी पर वो लड़कियों को देखता था तो वो कहती ऐसे नाच रही थी कहती जज को कहूंगी क्या कहूंगी डिवोर्स दे दो आपको नाच के दिखाऊंगी अच्छा वो जो ऐसे जंप कर रही थी क्या ये किसी को अपना मेकअप ट्यूटोरियल अभी मेरा नाक गाइस किसी को मेरा मेकअप ट्यूटोरियल हे गाइस मेरा मेकअप हो चुका है मुझे नहीं पता कैसा लग रहा है हम अभी चल के देखते हैं ओह माय गॉड कैसी लगी आगे स्वाद इतना बड़ा मुंह आ रहा है मेकअप हो चुका है अब मैं चेंज करने जा रही हूँ फिर आई विल शो यू हे गाइस तो ये है मेरी बार्बी लुक लेकिन मैंने अभी बाल बनाने टॉमी 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 फिर बाल मैं बाल बनने लगे हैं और आपने इस व्लॉग को एंड तक देखना है क्योंकि हमने कल जाना है बाहर पार्टी करने तक वा भी आएगी तो क्या नाचो मैं ये देख सही है ये सही है इतने लंबे वाले थे एक स्टोरी सुनाती हूँ ईशा की मैं ठीक है स्कूल में गए तो ये बहुत छोटी थी यार इसको इतनी अक्कल नहीं थी तो इसने ना कोई फजूल हरकत की थी इसको ना 2 दिन के लिए स्कूल से निकाल दिया था मेरी जिंदगी से नहीं निकली है हम पेपर्स की तैयारी करने के लिए मिलते थे पर हम टिकटॉक बनाते थे हम पेपर्स की तैयारी करने के लिए मिलते थे और हम टिकटॉक्स बनाते थे हम और निर्मला आज चीटिंग भी कराती थी स्कूल में मुझे इससे बड़ी उम्मीद होती थी जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे क्योंकि क्लास में लाइक 5 बच्ची होती थी अच्छा स्कूल ही हमारा फजूल था हाँ यूनिक हाई स्कूल में पढ़ता है कोई भला बीकन हाउस जाते होते है ना हम भी रूट्स जाते हैं हमारे भी मजे होते हैं हमारे भी लड़के
मौके दे रही, फिर तेरे खानदान मुझे कहेंगे यार ऐसी भी बात नहीं हो के ऐसी ही बात है खानदान वाले तो ऐसी बातें कभी को किसी के सबके खानदान वाले मेरे खानदान वाले इतने फजूल हैं अल्लाह माफ करे। मैंने एक मीम पढ़ी थी कि आप तब मैच्योर होते हो जब आपको रियलाइज होता है कि आपके नान का भी उतना ही टॉक्सिक है जितना आपका दाद का। तू क्यों चाहती है वो मुझे अनसब्सक्राइब कर दे? अच्छी बात है टॉक्सिसिटी काम। मैंने कुछ कहा आपको? नहीं। Hi Barbie. Hi Ken. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Barbie वाली शक्ल भी और Barbie वाला मेकअप भी और Barbie वाला एटीट्यूड भी, लेकिन इसके पास Ken नहीं है। Emotional damage. Okay guys, ये हमारी Barbie तैयार हो चुकी है और इसको मैंने मेकअप किया। आंखें बंद कर। हाय 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 क्या बात है। आप अपनी लुक को खुद ही रेट करें जल्दी से। मैं जी मुझे लग रही है 10 में से 8.5 चंडे लगाऊं, ऐसी चंडे लगाऊं, इतनी ज्यादा प्यारी लग रही है लेकिन इसको शर्म नहीं आती। मेरा दिल टूट गया। ओके बाय। क्या सोचो सोचो लोग कमेंट्स में ट्रोल कर रहे हैं। बार्बी बनने लगी है कार्बी और हम अब खाना खाने लगे हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मैंने बोला था ये एक ब्रेक के बाद। यस बाय। मूवी देख रहे थे और मूवी देखते देखते ईशा सो गई तो मैंने सोचा अब मैं भी सो जाती हूँ। सो गाइस गुड नाइट। So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Good morning. मैं आई थी ईशा को छोड़ने और मैं घर जा रही हूँ और मैं भी सो गई थी और मैं मेकअप के साथ सो गई थी। कुछ ही देर में शाम को हम जाएंगे फिर से बाहर। उसे भी कॉल करना चाहिए। okay, रुके एक सेकेंड। आ गई ईशा गाइस हमेशा की तरह लेट। हमें आज लेट नहीं आई, मैं आज बिल्कुल टाइम पे आई हूँ। लोगों ने मेरा मजाक बनाया हुआ है। लेट आती है। तकवा गिर गई फिर से। और मजीद और पूरी बात नहीं सुनी। तकवा गिर गई और मजीद। यार वो हम जब बीच में गए थे ना वो तकवा गिरी थी। वो जिसने वीडियो देखी होगी उसको पता होगा। अब वो फिर से बेचारी गिरी है बहुत गंदी तरह से। वो बोल ही नहीं सकती। उसका एक्सीडेंट हुआ रोड पे। रेडी तकवा को मार गई। रिक्शा उलट गया था उसका। रिक्शा नहीं उलट गया था, खोता रेडी थी। उसने खोते ने खोता देखा वो पागल हो गया। टक्कर मार दी। मुझे ना अभी कुछ नजर नहीं आ रहा उधर जाने। वो तो हम सबको मरवाई। सफर की दुआ। हे गाइस आई एम रेडी। मेरी ट्रांसफॉर्मेशन चेक करें। तकवा उठ ना यार। तकवा कह रही है पहले तुम लोग तो तैयार हो जाओ। मैंने कहा जब तक तुम उठोगी हम तैयार हो जाएंगे। लेटर लगाना ना हो। क्या कह रही है? क्यों लगवाने? शादी के लिए। क्या एक्रेलिक्स? तुमने नमाज नहीं पढ़नी होगी बेहया औरत। शादी हो रही है कोई अल्लाह रोजे का नाम ले ले। कोई अल्लाह नबी का नाम ले ले। तू एक्रेलिक्स लगा के बैठ जाएगी। हाँ तो लेकिन मैं दिल से बहुत वैसे भी हूँ। क्या ओह माय गॉड गुची वाइब्स। चलो चलो ना लगाते ईशा। तो मैं आंखों में नहीं लगा रही। यहाँ पे लगाना फैशन है। जेन ज़ी फैशन। क्या पेंडे उठा लिया उल्टी शर्ट पहन के भी कहते हैं फैशन है। खोल यार हिम्मत नहीं है। खोल यार लड़की ने। ओके गाइस वी आर लीविंग नाउ। जाना कहाँ पे? जाते हुए मैं आगे वापस भी दूँ आगे। ठीक है ऐसा कभी भी नहीं होता है ना। देखो ऐसा कभी भी नहीं होता। आते जाते तू ही होती है। मैं नहीं होती। गलत बात कर रही हूँ। मुझे जाने दो। अच्छा मेरी बात सुनो। जाना कहाँ है? हम किधर जाए? तो गाड़ी में बैठो बहुत गर्मी है। तकवा को ना सोने का कटोरा भी दे दो ना। सोने का कटोरा इसने भीखी मांग ली है यार। अच्छा मेरी बात सुन। सुना यार तो चले जाते हैं। ये जो न्याय नहीं खुला मैं नाश। क्या नाम है उसका? क्या क्या अरे कहना क्या चाहते हो? क्या न्याय नहीं खुला। इजी मैं राइस पूल भी तो खुला।
एकदम से हम 8-10 हजार का खर्चा नहीं कर सकते मालिक के देखो छुप छुप के। तो अब ईशा को मेरे मीम समझ आएंगे और ईशा को मेरे डायलॉग समझ आएंगे, कल तक इसको नहीं समझ आ रहा। इतना खर्चा हो गया है तो एक चिप्स भी ले लेते हैं मालिक। मैंने उसे कहा इसको पहले समझ ही नहीं आता था, इसके सामने कोई मजाक करो ब्लैंक। आंटी को बोलो अब नहीं चाहिए। थैंक यू। पीछे मेरे कलर का लिया ही नहीं। पोटैटो मेरा बैलून उठाओ, बैलून उठाओ, पोटैटो टोमेटो पोटैटो। चल चल बट आई स्टिल लव देम। यार इतनी गर्मी है। हमने ऑर्डर कर दिया, हम ऊपर जा रहे हैं। तकवा को हमने पहले ऊपर बिठा दिया था। यस बहुत प्यारी। अब हम बनाने लगे हैं पिक्चर्स प्यारी प्यारी। नर्मन आज के 1K सब्सक्राइबर्स हुए हैं, सारे करें। अभी हम यहाँ पे ज़्यादा शोर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैमिलीज बैठी हुई हैं, पर अभी हम करेंगे शोर। फिट परफेक्ट पिक्चर्स के लिए हम ऐसे करते हैं। भाई भाई इतनी प्यारी आ रही है। अभी सो जा। बहुत खूबसूरत। अच्छा मुझे लगा मुझे कह रही है शर्म ही नहीं। आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत। ये देखें इतनी क्लियर तो हमारी स्किन नहीं है, है ना ईशा? है ना तकवा? तकवा बस सर हिला रही है, जगह पे सर हिला रही है। यार उसका कसूर नहीं है, वो गिरी है बहुत बुरे तरीके से गिरी है। वो स्टोरी आपको डिटेल में हम बताएंगे। आओ बताओ ना, कुछ तो बताओ। लोग कहेंगे तकवा हमेशा गिरती रहती है। यार ये इन्होंने क्या घर वाला माहौल बनाया हुआ है, इनको बोलो लाइट ऑन कर। नर्मन आज के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। हैप्पी 1K। ओके लेकिन ये देखे हैप्पी 1K। यार हमें स्कैंडल्स होनी चाहिए थे। थैंक यू जो सब्सक्राइब नहीं, एक वीडियो आई थी ना, वो क्या बोलते हैं सब्सक्राइब जो भी वो करता है उनके लिए थैंक यू वेरी मच। ये मेरे रियल सब्सक्राइबर्स हैं। यस माय फैमिली, माय रियल फैमिली। इस वक्त ना मेरी मिक्स फीलिंग है, ठीक है? ये मेरा गुड मूड और ये मेरा बैड मूड। ये चिल है, ये हॉट। कहाँ गिरा तक वो गिरती रहती है, उसका खाना भी गिरता रहता। आज के पैसे पूरे हो गए। मुझे लगता है बर्फ पड़ गया। हमें एक बच्चा मिला जो नीचे खड़ा हुआ है और वो बिल्कुल उसकी शक्ल है जो बोलते हैं पानी पानी पानी। अंकल जी पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। मुझे चोट लगी है, मेरे लिए दुआ करना। टिश्यूज में लड़ना नहीं। आधे आधे खेल लो। 25-25 तेरा, 25 में 25,000। एक तेरा, एक मेरा, बराबर। मैं घर जा रहा हूँ भाई। उठ। बाय। आपको छोड़ दिया। मेरे
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। खुश रहे, खुश रहने दें, जिंदगी एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ बोलूँ।